फिरोजाबाद में भीषण हादसा, एक ही परिवार के 6 लोग जिंदा जले। गुरुग्राम में दिन दहाड़े ज्वेलर का बैग लूटा, विरोध करने पर बरसाई गोलियां। केरल में जहरीले चावल खाने से 15 मोरों की मौत, किसान ने चूहे मारने के लिए खेत में डाले थे। यूपी के देवरिया में छात्रा पर तेजाब फेंकने वाले शख्स को 6 साल बाद उम्र कैद की सजा। शदात्या कांड के पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने कबूली कत्ल की बात, बोला अफसोस नहीं। ईडी ने शराब नीति मामले में अमित अरोड़ा को किया गिरफ्तार। गुजरात चुनाव में पीएम मोदी की कल छोटा उदयपुर, हिम्मतनगर और करोला में जनसभाएं। कर्नाटक में लव जिहाद के खिलाफ कानून की मांग, 11 से 17 दिसंबर तक हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन। मुंबई में किन्नर बनकर लोगों को लूटने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। जेपी नड्डा ने गुजरात चुनाव को बताया एक तरफा, बोले इस बार टूटेंगे सारे रिकॉर्ड। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ एफआईआर, पिस्तल लहराते हुए डांस का वीडियो हुआ वायरल। द कश्मीर फाइल्स विवाद पर बोले IFFI के जूरी हेड, अपने बयान पर कायम हूँ। लखनऊ में IPS अफसर BK मौर्य के फार्म हाउस में फंदे से लटका मिला युवक का शव। सपा नेता राम गोपाल यादव ने चुनाव आयोग से की BJP की शिकायत, फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई न करने के लिए SC ने बिहार सरकार को फटकारा। BSF ने इस साल बॉर्डर पर 7 घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। पाकिस्तान में आत्मघाती हमला, 3 की मौत और 23 घायल। राजस्थान के सिरोही में SBI बैंक के ATM उखाड़ ले गए बदमाश। अमित शाह का बड़ा दावा, चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतेगी आम आदमी पार्टी। द कश्मीर फाइल्स विवाद में IFFI के जूरी हेड के खिलाफ जम्मू कश्मीर में पंडितों का प्रदर्शन।